सीरियाई सरकार की ओर से विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में लगातार दो दिन से हुई बमबारी में 250 लोग मारे जा चुके हैं। सहायता संगठनों के कार्यकर्ताओं का कहना है कि सीरिया की राजधानी दमिश्क के नजदीक 2013 के बाद से ये सबसे हिंसक घटना है। उनका कहना है कि इसमें 50 से अधिक बच्चे मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि हालात नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि सोमवार और मंगलवार के हमले में कम से कम 6 अस्पतालों को निशाना बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता रियाल लेब्लांक ने कहा, नागरिकों, अस्पतालों और स्कूलों के खिलाफ लगातार हिंसा की हम पूरी तरह निंदा करते हैं। मानवीय कानून का ये चरम उल्लंघन है। हम सभी पक्षों से अपील करते हैं कि सीरिया में हिंसा की तीव्रता को कम करें। राजधानी दमिश्क के नजदीक पूर्वी गूटा विद्रोहियों के कब्जे वाला आखिरी बड़ा शहर है। रूस के समर्थन वाले सरकार समर्थक बलों ने इस क्षेत्र को वापस पाने के लिए रविवार रात से आक्रमण तेज कर दिया है। ब्रिटेन स्थित निगरानी समूह सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि हवाई और जमीनी हमलों में कम से कम 250 लोग मारे गए हैं। समूह का कहना है कि घेरे गए क्षेत्र में 2013 के रासायनिक हमले के बाद 48 घंटे में सबसे अधिक मौतें हुई हैं। इसमें 1200 लोग घायल हुए हैं। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।